बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार स्टोरी है। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, जनाब ये इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे, इनकी गिरफ़्तारी में देर क्यों है, कोई गिरफ़्तारी की ऐसे ही कोई अफवाह चलती है, उधर यूथिये जमा हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब कर नहीं हुई ना गिरफ़्तारी, फिर यूथिये चाहे सर के बल भी खड़े हो जाएँ, फिर गिरफ़्तारी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं भाई अभी इनकी गिरफ़्तारी मतलूब ही नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसमें कोई तवज्जो होगी ना। हर एक चीज़ में ना सोचना चाहिए कि जी वजह क्या है। मैं आपको वो वजह बताऊंगा आज, ठीक है ना, बहुत ही अंदर की वजह है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैंने आपके साथ कुछ और बहुत ही अहम शेयर करना है, और वो तो आपको मालूम है, दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है और ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। यार असल में पता क्या है, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना, ये जब पॉलिटिकल वीलॉग होता है, अब ये आपको मुझे पता है, हर किसी को इंतज़ार होगा जनाब के ये जफर नकवी कब बताएगा कि इमरान ख़ान को अब क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा रहा और कब गिरफ़्तार किया जाएगा, उसके पीछे छुपी कहानी क्या है। ये तो मिर्च मिसाले वाली बात है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ ज़राए से बात करके भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ना मुझे बड़ा अफसोस होता है, यकीन करें। अफसोस इसलिए, अभी मैं देख रहा था कि परवेज इलाही साहब जनाब जाते जाते उन्होंने पता नहीं किस 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 को जो है ना वो प्रेस क्लब को और पता नहीं किस को बार काउंसल्स को और फंडिंग शंडिंग की। सर से वहाँ पे जो वो महमूद खान साहब, उन्होंने भी जाते जाते वो भी कोई प्रेस क्लबों को और बार काउंसल्स को और पता नहीं किस किस को पता नहीं फंडिंग की, ठीक है ना। इस तरह से खबरें आईं, मैं हैरान हूँ। बार वाले हमारे अपने दोस्त हैं, भाई हैं और प्रेस क्लब वाले भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनको प्रेस क्लब को अगर एक फंडिंग होती है तो उसमें यह भी होना चाहिए कि जो नादार सहाफ़ी हैं बेचारे, जो मजबूर सहाफ़ी हैं, जो बीमार सहाफ़ी हैं, उनकी भी कोई खबर गिरी होनी चाहिए। मुझे एक सहाफ़ी की, मैं एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं आपके साथ ना एक बात शेयर कर रहा हूँ। मुझे, मैं इस पे बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ ऐसी बातों पर। कुछ रोज़ पहले एक सहाफ़ी हैं और मैं नाम नहीं लूँगा, और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, फालज भी हुआ और फिर उनकी बिनाई भी चली गई, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। तो उनकी, मुझे नहीं पता था, और उनकी मिसेज ने मुझे मैसेज किया कि जी इस तरीके से है, और फिर उनमें पूरे प्रूफ के तौर पे उनके कार्ड भेजे, फिर सारा कुछ उनका प्रेस क्लब का, सारी चीज़ें सबूत के साथ। वो मैं बहुत वहमी हूँ, वो बहुत मैं वहम की हद तक एहतियात करता हूँ और उसकी तहकीक भी करता हूँ, खैर। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा जी जफर साहब, नकवी साहब, आप करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मतलब दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हमें भी खुशी है। तो अपने वो सब कुछ, अपना भी कार्ड भेजा, उस कार्ड की इसमें सबूत में कि जी मैं वाकई उसी की मिसेज हूँ, सब कुछ, अपने बच्चों की तस्वीरें, बहुत कुछ भेजा। मैंने नहीं मांगी थी, उन्होंने खुद भेजी। और एक वाकया लिखा कि हमने ना हम जा के गंदगी से मरी हुई मुर्गियाँ उठाते हैं और वो खा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने वैसे ही मैंने कहा कि नहीं, ये इस तरह से तो नहीं हो सकता, ये इन्होंने गलत बयानी की है। उसके बाद मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन की इसकी, और मैं उस वक्त, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि जब मुझे ये आज़ाद ज़राए से पता चला कि इन्होंने कितनी दफ़ा गंदगी से उठा के मरी हुई मुर्गियाँ इसलिए बच्चों को खिलाई हैं क्योंकि और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इन चीज़ों में मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, ये मैं अपने जज्बात पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख सकता। खैर, मैंने उनको तो दिया, बहरहाल उसको छोड़ दें, लेकिन मुझे अफसोस बड़ा हुआ। प्रेस क्लब वाले देखें तो करोड़पति बन जाते हैं, और जब ऐसे लोगों की मदद करनी हो तो फिर किसी को कोई ख्याल नहीं आता, ना कोई डाटा होता है और ना ही कोई एहसास होता है, ना कोई ख्याल होता है। खैर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और जहाँ तक अल्लाह के करम से और आपके तआवुन से कर रहे हैं। और मैं ना इस किस्म के वाकयात के बाद मुझ में बोलने की सक्कत ख़त्म हो जाती है, पता नहीं उसकी वजह क्या है। छोड़ दें, आ जाए, आगे चलें। मैं
तुर्की में जलजला आया, शाम में जलजला आया, बहुत सारे लोग जहाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करे, आसान करे और मदद करनी चाहिए इंसानियत की, और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करे। मैं तुर्की के हवाले से देख रहा था कल एक ख़बर, पता नहीं कहीं इंटरनेशनल मीडिया में, कि तुर्की की जो ज़राई बरामदाद है ना, ज़राई बरामदाद, वो तकरीबन कोई 3 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी हैं, 2 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर, तो तकरीबन 3 अरब डॉलर। यानी कि मैं आसान, अपने लिए मैं आसान समझता हूं, तो इस वजह से दूसरों को भी आसान ही समझाता हूं। तुर्की यानी गंदम, चना, मकई, जैतून वगैरह, ये बाकी मुल्कों को बेच के जनवरी के महीने में 3 अरब डॉलर तक की बरामदाद, यानी ये दूसरे मुल्कों को अपनी ज़राई अजनास तकरीबन 3 अरब डॉलर की बेच चुका है। मैं हैरान भी हुआ। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं कोई निजी मसरूफियात, अदरवाइज मैं कैलकुलेट कर लेता, और अब भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा ज़राई रकबा उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये जो आप सुन रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत उनमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हमारा ज़राई रकबा उनसे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। काश भी ज़्यादा हो, क्या वजह है। तुर्की अगर गंदम, चना, जैतून, सरसों, कोई चीज़ भी बेच के, अच्छा उन्होंने ये भेजे हैं इराक में, रूस में, चाइना में, मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है ना, और उन्होंने इससे कमाया है 3 अरब डॉलर। हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पैर पकड़ रहे हैं और हम नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कि IMF हमें ये वो कर दे। सिर्फ कमिटमेंट की कमी है मेरे भाई। एक सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखते हैं, खलील अहमद नैनीताल वाला, ये मुझे करने दें, मैं फिर आता हूँ कि इमरान खान अभी क्यों नहीं गिरफ़्तार हो रहा, वजह क्या है और कब होना है उन्होंने गिरफ़्तार, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप ज़रा सुन लीजिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। खलील अहमद नैनीताल वाला ये आर्टिकल लिखते हैं जंग में, और बहुत अच्छा लिखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। मैं जल्दी जल्दी आपके साथ ज़रा थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ उनके जो डाटा, वो बड़ा फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ डंडी उन्होंने इसमें भी मारी है, वो भी मैं आपको मैं बताऊँगा मस्जिद के साथ, ठीक है ना। मैं उसको डंडी कहूँगा, उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनका जिक्र क्यों नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जनाब हम जो पूरे, उन्होंने लिखा कि गरीब मुल्कों में हुक्मरानों की शह खर्चियाँ, ठीक है ना। अच्छा, मेरा ख्याल है जो उन्होंने असल हुक्मरान है उनका जिक्र ही नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, या काटा है या एडिट हुआ है उनका आर्टिकल या वगैरह, लेकिन बातें बहुत अच्छी सही लिखी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बरतानिया में जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ना, उनकी तादाद है 45। अब वो कहते हैं कि जनाब वो कभी भी एक 45 का पूल है, उसको जिस भी सरकारी महकमे को ज़रूरत होती है ना दफातर में, वो ये नहीं है कि इसके नाम पे अलर्ट हो गई तो हो गई, वो जो भी गाड़ी फारिग होती है ना उधर चली जाती है उस अफसर के पास। और हमारे यहाँ कहते हैं कि सिर्फ सुबह सिंध में जो गाड़ियों की तादाद है ना वो 25,000 है। अब आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक हो गया ना। उसके बाद उन्होंने बड़ा और भी चीज़ें लिखी, लेकिन बड़ी चीज़ें कुछ ना बड़ी मज़े की लिखी। उन्होंने कहा कि ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी इसकी कैलकुलेशन इसी तरह से आई हुई थी। वो कहते हैं पाकिस्तान में तकरीबन को 20,000 ऐसे अफराद हैं जिनको बिला मुआवजा तेल की सहूलत मैसर होती है, 20,000। एक अफसर अगर महाना 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, ये उन्होंने एवरेज वैसे लगाया है, इससे कहीं ज़्यादा, 1,000-1,000 लीटर भी मिलते हैं, 2,000-2,000 लीटर भी मिलते हैं, 500-800 लीटर भी मिलते हैं। खैर, उन्होंने कहा अगर 20,000 लोगों को मिलता है ना बिला मुआवजा तेल, मुफ्त प्रोवाइड होता है, और एक अफसर को अगर 400 लीटर मिले तो इसका मतलब है कि हुकूमत को महाना 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है, और इसके खरीदने के लिए 50 लाख डॉलर दरकार होते हैं हर महीने, और इसीलिए तो हम IMF की चुंगल से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है ना जी। और सिर्फ ये मेरा ख्याल है जो कैलकुलेशन है, पता नहीं अब ये जजेस तक, जनरल तक गई है या नहीं गई, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका फ्री पेट्रोल भी है, उनकी बिजली भी फ्री है, उनके टिकट भी फ्री हैं, अशराफिया के, अशराफिया लिखा उन्होंने, ठीक हो गया ना।
तो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन की यानी पार्लियामेंट के अराकीन की तनख्वाहें हैं उनका हुजम जो है ना वो जा रहा है को 35,54,70,00,000 रुपए माहाना। इसको भी कम करना चाहिए, जिसमें हाउस रेंट भी है, घरों के बिल भी हैं, टिकट भी हैं, बैरून मुल्क भी अलले तलले हैं, इलाज भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, सबको मिलाएं तो 85 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, सिर्फ ये पार्लियामेंट की बात नहीं है, वापडा का एक क्लर्क भी हो ना, वो अपने ये आम मिसाल दे रहा हूँ, आप एक्सियन एससी एसडीओ उनको तो छोड़ दें ना, चीफ तो छोड़ दें, एक क्लर्क है ना वापडा का, एक लाइन मैन है ना, एक मीटर रीडर है ना, उसका भी आप उसके घर पे लगा होता है बोर्ड, उसका नाम और एम्प्लॉय लिखा होता है, उसका मीटर ही चेक नहीं किया जाता। अच्छा, उसके कोई दूसरे भाई हैं, भले वो अमीर कबीर हैं, कोई भी हैं, उन्होंने एक घर में 8-8 एसी लगा दिए होंगे, ठीक, और ऐसा ही होता है। तो इस मुल्क को ना, इस मुल्क को चलाने में जो प्रॉब्लम है ना, जो हमारी शह खर्चियाँ हैं, जो इस तरीके से बिल्कुल कैसर बंगाली साहब ये ठीक कह रहे हैं कि ये गलत है कि आप सिर्फ आवाम पर नए टैक्स लगा के IMF का वो काम कर सकते हैं या अब उनकी शरायत तो कबूल कर सकते हैं या ये अपने खर्चे चला सकते हैं, नहीं, एक्सपेंडिचर पे कट करके भी कर सकते हैं। इसमें जो खलील अहमद नैनीताल वाले ने यह भी बहुत अच्छी बात की है कि देखें 70 से 80 रुकनी काबीना है, ये इसका कौन जिम्मेदार है। जी बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि 70 से 80 रुकनी, अब 78 या 79 रुकन की काबीना है अरकान की, मुआमिनीन खसूसी तो मुशीरान तो वज़रा तो सारा, तो ये जब एक ऐसी हुकूमत कि जहाँ लोगों के पास खाने के लिए आटा ना हो, उसका वज़ीर आज़म कहे कि मैं कपड़े बेच के भी आटा खरीदूँगा, तो अपनी उन्होंने काबीना रखी हुई हो 80 लोगों की, वहाँ कौन जिम्मेदार होगा। वहाँ पर वो 80 लोगों की काबीना या 79 लोगों की उनके पास जो काबीना होगी उसको उसके वो अलले तलले ये उड़ रहे होंगे, ये कौन होगा। खलील अहमद नैनीताल वाले ने या तो उनके पास डाटा था नहीं, या था तो फिर आपको पता है फिर बहुत सारा खौफ भी होता है। यही ज़रा आप जर्नैलों का डाटा भी निकालें, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी निकालें, उनको जो मुफ्त जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी निकालें, ज़रा जजेस का भी पूरा डाटा निकालें कि एक एक जज जो है ना 15-15 लाख रुपए और 5 दिन में 5 घंटे आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो वो भी खैर से मैं माजत के साथ कहूँगा, वो भी ज़रा डाटा निकालें, उनको और क्या क्या अमारात हैं वो भी ज़रा डाटा निकालें। तो ये सारा डाटा जब आप निकालें तो मेरा ख्याल है IMF की मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी, वो सारा यहीं से पूरा हो जाएगा। ये आप लिख लें, ये इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अवाम के सर पे डंडा मारना है IMF को खुश करने के लिए या IMF को मनाने के लिए या नया कर्जा लेने के लिए, अवाम के ही खून चूसना है, अवाम को अवाम का ऑलरेडी वो बेचारे इस तरीके से तंग गली में होते हैं, उन्हें कहीं सांस बंद करना है। आ जाए भाई, फिर आप कहेंगे यार नकवी साहब आप ये लंबे हो गए हैं, ये आप देखें कि खान साहब कब गिरफ्तार हो रहे हैं। खान साहब ना, मैं अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब खान साहब फवाद चौधरी गिरफ्तार हो रहे हैं उसी बात पे, शेख रशीद गिरफ्तार हुए कि जी मैंने तो खान साहब की बात को आगे बढ़ाया, लेकिन पहले तो खान साहब ने कहा है ना कि जी ये बिलावल भुट्टो जरदारी और ये आसिफ अली जरदारी और फिर बिलावल पर भी तनकीद की, जो शेख रशीद ने तो बाद में कहा है, भले उसने अपने कहा, इसी तरह से आप ये वो भी शिकवा किया शहबाज गिल साहब ने भी कि जी मेरे लिए तो वो वर्कर आते ही नहीं थे, तो फवाद चौधरी के लिए मकसद कहने का उनका ये था, उन्होंने नाम नहीं लिया, तो ये क्यों, तो क्या मैं मिडिल क्लास हूँ इस वजह से, या मेरे ऊपर तो मुझे तो मार कुट भी पड़ी है, इनको नहीं पड़ी, तो क्या मैं मिडिल क्लास हूँ इस वजह से, मेरे लिए तो ये हुआ है। अच्छा बहरहाल, तो हमने भी कहा हाँ यार अगर ये बात शहबाज गिल ने कही है, वो पकड़ा गया है मेरिट पे पकड़ा है, मैं भी कहता हूं उसने बगावत कराने की कोशिश की है, तो इमरान खान ने तो उसे डबल कराने की कोशिश की है ना, वो क्यों नहीं पकड़ा। फवाद चौधरी पकड़ा गया तो वो क्यों नहीं पकड़ा। आदम सवाती अगर एक ट्वीट पे पकड़ा गया है तो इमरान खान ने तो ऐसी दसियों दर्जनों तकरीरें की हैं, वो आपके जहन में आता होगा ना, डेफिनेटली आता है, ठीक हो गया ना भाई। बात यह है ये पकड़े हैं ना। अभी बिलावल साहब ने भी कुछ अरसा कहा था कि एक इदारे में इनकी सहूलतकारी जारी है, ठीक है ना। अच्छा, आप में से भी माशाल्लाह समझ जाते हैं बहुत सारे, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ ज़राए से बात हुई तो आगे से बहुत सारे इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेश्चन एक्सचेंज होते हैं, कैसे भाई यार ये क्या वजह है। तो वैसे ही ज़रा लोगों ने कहा कि भाई अगर ये बताएं
कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कब रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा वो कोई 8 सितंबर को 2023 को रिटायर हो रहे हैं, है ना, ठीक हो गया ना। अच्छा तो 8 सितंबर को, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं वो कब रिटायर हो रहे हैं, तो वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं 2023 को। बस 8 को वो हो रहे हैं, 9 को नए प्रेसिडेंट ने आना है, और फिर उसके बाद जो है ना उससे आगे चाहे 9 को नया प्रेसिडेंट आए या फिर आपको पता है चेयरमैन सेनेट बन जाता होता है, ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने भी रिटायर होना है। अगला चीफ जस्टिस किसने बनना है, अगला चीफ जस्टिस बनना है जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने, वो 17 सितंबर को वो चार्ज लेना है। बहुत सारी चीज़ों, आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक हो गया ना। तो बहुत सारी सहूलतकारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे कि जी प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का मोहताज होता है, अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो वो खुद से कैसे मुआफ़ कर दे, खुद से हो सकता है किसी ने डंडी मार दी हो, किसी ने कुछ डंडी मार दे, वो खुद से कोई सज़ा माफ़ कर दे, एक मुतनाज़िया सूरत हाल बन जाएगी। आपको याद है रहमान मलिक साहब की, अल्लाह बख्शे, उनकी एक सजा थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने माफ़ की। उस वक्त बहुत सारे लोग बात कर रहे थे भाई यार इसकी तो एडवाइस यूसुफ रजा गिलानी ने भेजी भी नहीं थी, लेकिन वहीं से चुप हो गई, बस प्रेसिडेंट ने माफ़ कर दी। तो उसमें तो अब वो प्राइम मिनिस्टर ना भी भेजे, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड होता है, वो टाइटुलर हेड होता है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का मोहताज होता है और एडवाइस पर चलने का पाबंद होता है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एडवाइस करता है तो ही इज़ बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट ने अभी डंडी मारी है ना, कभी को वो बिल को रोक लेते हैं, उस पर दस्तखत नहीं करते, कभी वो उसको प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की कि जी आप गवर्नर को चेंज करें, उन्होंने उसको नहीं किया, वो लंबा किया, किसी को क्या, कभी कभी वो किसी से हल्फ नहीं लेते। तो इस तरह की वो अपना यूथियापन का इजहार करते रहे हैं और अब तक भी कर रहे हैं और उसी तरीके से वो डंडी मार रहे हैं। लेकिन 8 सितंबर के बाद उन्होंने चले जाना है, और फिर और 8 सितंबर से पहले अगर कुछ अर्सा, क्योंकि वो कन्विक्शन की फॉर्म में है ना, कि अगर कन्विक्शन हो जाती है किसी को तो फिर एक पार्डन होती है, जो माफ़ीनामा होता है वो प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है, उसको माफ़ी दे सकता है। प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो सजाए मौत को उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद में। अच्छा फिर उसकी वो जो कन्विक्शन है वो बरकरार रहती है, और जो उसका जो सज़ा है और उसकी जो सज़ा की एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है, यानी उस हवाले से। तो भाई बात ये है ना कि वो बंदा फिर भी जेल से बाहर आ जाता है। ये बड़ी बारीकी की बातें हैं, और आगे की सहूलतकारी जो 16 तक है मुबैना तौर पर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर तो उसके बाद आपको पता है बड़ा मेरिट का काम आ जाएगा। तो फिर तो मामलात हैं बहुत संगीन, केसेस भी बहुत संगीन हैं। पहले हो जाए गिरफ्तारी, तो जब तक कन्विक्शन ना हो तो फिर तो प्रेसिडेंट साहब को माफ भी नहीं कर सकते, और गिरफ्तार कन्विक्शन तब हो कि जब आपको पता है फिर कुछ या सितंबर आ जाए या 8 सितंबर गुजर जाए या फिर 16 सितंबर गुजर जाए। आपको समझ तो आ रही होगी, मुझसे आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सीनियर भी लोग बैठे हैं और सुनते भी हैं, मुझे पता है, मुझे कन्फर्म है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।